नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज वीडियो में आप बात करीशू 16 ऑक्टोबर 2022 रोज जीपीएससी अले के गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डीवाईएसओ अले के नायब मामलतदार की परीक्षा लेवामां आवेल हती। तो आ परीक्षा अंदाजित कटऑफ केटलू रहेशे, अंदाजित मेरिट केटलू रहेशे, तेना विशे चर्चा करीशू। मित्रों, तमारे केटला मार्क थाय छे ते अवश्य नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर जणावजो, जेथी करी आपणे केटेगरी मुजब केटलू मेरिट रहेशे तेना विशे पण अलगथी एक विडियो अपलोड करीशू। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करिए ते पहला वीडियो गमे तो लाइक अने शेयर कर देजो, चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर देजो। तो चलो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करिए। मित्रों, जीपीएससी एटले के गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 16 ऑक्टोबर 2022 अने रविवार रोज डीवाईएसओ की परीक्षा लेवामां आवेल हती। मित्रों, आ परीक्षा में अंदाजे 53% जेटला उम्मेदवारों हाजर रह्या हता, एटले के 53% जेटला उम्मेदवारोए परीक्षा आपेल हती। मित्रों, परीक्षा में जे प्रश्न छे ते आ वक्ते फेक्ट आधारित प्रश्नों पूछवामां आव्या हता, एटला माटे कटऑफ छे ते ऊंचू जवानी शक्यताओ रहेली छे। कटऑफ छे ते 120 मार्के रहे तेवी शक्यताओ रहेली छे। जीपीएससीए रविवारे 10,000 केन्द्रों पर डीवाईएसओ एटले के नायब मामलतदार की परीक्षा लीधी थी, तेमां अंदाजे 53% जेटला उम्मेदवारों हाजर रह्या हता। पेपर में मोटा भागना प्रश्नों छे ते वैचारिक नहीं परंतु फेक्ट आधारित प्रश्नों आ वक्ते पूछवामां आवेल हता। तो तज्ञों मते आ वक्ते जे कटऑफ छे ते 120 मार्कनी आसपास रहे तेवी शक्यताओ रहेली छे। मित्रों, जीपीएससी द्वारा जे सुपर क्लास 3 कोईपण एग्जाम लेवामां आवती होय तो तेमां अघरा प्रश्नों पूछवामां आवता होय छे। एक प्रश्ननी नीचे ज अलग अलग 3 થી 4 विधानों पूछवामां आवता होय छे, एटला माटे विद्यार्थीओने पेपर लखवामां समय छे ते घटतो हतो। परंतु आ वक्ते जे रविवारे डीवाईएसओनी एग्जाम लेवामां आवेल तेमां उम्मेदवारने पूरतो समय मळी रह्यो छे। रविवारे 10,000 केन्द्रों करता पण वधारे केन्द्रों पर डीवाईएसओ की प्रिलिमरी परीक्षा आयोजन करवामां आवेल हतुं, अने जे विद्यार्थीए परीक्षा आपेल छे तो तेओ पोतानी ओएमआर शीट छे ते 2 दिवस में ऑनलाइन डाउनलॉड करी शकशे। मित्रों, तज्ञों मते पेपर सरल रहेवाना कारणे कटऑफ ऊंचू रहेशे तेवी संभावनाओ रहेली छे। डीवाईएसओ नुं पेपर छे ते सरल रह्युं हतुं, एटला माटे कटऑफ 120 मार्कनी आजूबाजू रहे तेवी शक्यताओ रहेली छे। पेपर फेक्ट आधारित वधारे हतुं, एटला माटे विद्यार्थीने समय पूरतो मळी रह्यो छे। समय घटिया होवानी फरियादो ओछी जाणवा मळेल छे, અને દરેક વિષયમાં 2 થી 3 પ્રશ્નને બાદ કરી પેપર સરળ હતું તેવું વિદ્યાર્થીનું કહેવું છે। કરંટ અફેરના જે પ્રશ્ન છે તે પણ સિલેબસને આધારિત જ પૂછવામાં આવેલ હતા। અહીં ઉમેદવારોએ જણાવ્યું હતું કે ડીવાયએસઓની જગ્યા વહીવટી હોવાના કારણે કરંટ અફેરના પ્રશ્ન છે તે પ્રમાણે પૂછવામાં આવેલ હતા, અને આ ઉપરાંત કરંટ અફેર પણ ફેક્ટ આધારિત પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલ હતા। એટલે કે કરંટ અફેરના જે પ્રશ્ન છે તે પ્રશ્ન પણ ફેક્ટ આધારિત જ પૂછવામાં આવેલ હતા। સામાન્ય રીતે પરીક્ષામાં છેલ્લા 2 વર્ષનું કરંટ અફેર પૂછવામાં આવતું હોય છે। તો મિત્રો, ડીવાયએસઓની જે પરીક્ષા લેવામાં આવેલ હતી તો તેમાં 120 માર્કની આજુબાજુ કટઓફ રહે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે। તમારે કેટલા માર્ક થાય છે અને તમારી કેટેગરી કઈ છે તે અવશ્ય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો, જેથી કરી કેટેગરી મુજબ કેટલું મેરિટ રહેશે તેના વિશે આપણે અલગથી એક વિડીયો અપલોડ કરીશું। આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે। વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।